हिंद किसान वेब चैनल के दिल्ली स्टूडियो में आपका स्वागत है। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कई राज्यों में गांव बंद आंदोलन शुरू, फल सब्जी और दूध की आपूर्ति बाधित, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असर। बागपत में किसानों ने दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी, महापंचायत में फैसला, मांगे नहीं मानी तो उखाड़ेंगे बिजली के खंभे। बिहार में चरम पर वसूली कारोबार, कटिहार में खुलेआम रंगदारी, बाढ़ बचाव के पत्थरों पर लाखों की वसूली। राजस्थान में बढ़ाई गई लहसुन खरीद की तारीख, अब 30 जून तक किसान बेच सकेंगे एमएसपी पर लहसुन। कई राज्यों में गांव बंद आंदोलन शुरू हो चुका है। पहले दिन किसानों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। पंजाब के कई इलाकों में किसान अल सुबह सड़कों पर निकल गए। शहरों में फल सब्जियों और दूध की आपूर्ति ठप होने का सीधा असर मंडियों पर पड़ा। गांव बंद आंदोलन के पहले दिन किसान जोश में दिखे। अल सुबह किसान घर से निकल गए। पंजाब के फरीदकोट में किसानों ने गाड़ियां रोककर सड़कों पर सब्जियां फेंक दी। गली कूचों पर नाके लगाकर किसानों ने गाड़ियां रोकी। मंडियों पर इस आंदोलन का साफ असर देखने को मिल रहा है। सुबह जब कई गाड़ियां मंडी नहीं पहुंची तो व्यापारियों में आपाधापी मच गई। सब्जियों की कीमत कई गुना बढ़ गई है। आंदोलन को लेकर सर फर्क इतना है कि एक तो सब्जी कम आई है, उससे बाद बिक्री भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। भाव में बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। बहुत जैसे 2-3 रुपए किलो बिकने वाली चीज़ 6 रुपए तक बिक गई है, 7-8 रुपए बिकने वाली चीज़ 15 रुपए तक भी बिक गई है। आंदोलन को लेके हालांकि आज सब्जी 10% आई मंडी में, बिल्कुल 10%, 80% सब्जी खेतों में ही सड़ गई आज। किसानों के जोश और प्रदर्शन को देखते हुए राज्य में कई जगह पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई। पंजाब से ईशा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। हरियाणा में भी गांव बंद आंदोलन का असर देखने को मिला। किसान संगठनों ने शहर की तरफ जाने वाली गाड़ियां रोक दी। शहरों में दूध की आपूर्ति खासी प्रभावित रही। गांव बंद आंदोलन के पहले दिन हरियाणा में कई गांव में किसानों ने सुबह सुबह दूध फल सब्जियां ले जा रही गाड़ियों को रोक दिया। कई जगहों पर किसानों ने सड़कों पर दूध और सब्जियां बिखेर कर विरोध जताया। शहरों में सब्जियों और दूध की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आंदोलन के असर को देखते हुए सुरक्षा बलों को चुस्त कर दिया गया है। बंद के दौरान भी किसान संगठनों की बैठकों का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में किसान विरोध के नए तरीके अख्तियार कर सकते हैं। हरियाणा से रविंद्र रियाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। लेकिन गांव बंद का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। किसान संगठन अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। आंदोलन के असर को देखते हुए सरकार ने पुलिस के भारी बंदोबस्त किए हैं। 10 दिनों तक चलने वाले गांव बंद आंदोलन ने मध्य प्रदेश सरकार की नींद उड़ा दी है। प्रशासन ने कई जगह दूध और सब्जियों का स्टॉक बनाया है जिससे आम लोगों की मुश्किलें कम की जा सके। राज्य में मंदसौर, रतलाम, नीमच, शाजापुर और देवास जैसे 21 जिलों को संवेदनशील माना जा रहा है। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, भोपाल, हरदा, नरसिंहपुर, ग्वालियर और मुरैना में भी पुलिस बलों की भारी तैनाती की गई है। 11 जोनल आईजी को अतिरिक्त फोर्स दिया गया है। पुलिस को अतिरिक्त लाठियों और गाड़ियों के अलावा हजारों हेलमेट और चेस्ट गार्ड भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ किसान संगठनों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 4 जून तक गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल का आयोजन किया जाएगा। 5 जून को धिक्कार दिवस और 6 जून को मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 8 जून को किसान असहयोग दिवस मनाएंगे और 10 जून को भारत बंद करेंगे। 6 जून को राहुल गांधी के अलावा हार्दिक पटेल भी गोलीकांड की बरसी के मौके पर मंदसौर में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। किसान आंदोलन का गढ़ बने मंदसौर पर सबकी निगाहें हैं। वहीं 6 जून को गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों की बरसी में हिस्सा लेने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां पहुंचने वाले हैं, लिहाजा प्रशासन की नींद उड़ी हुई है।
गांव बंद आंदोलन का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पिछले साल बड़े किसान आंदोलन का गवाह बने मंदसौर पर सबकी नजरें टिकी हैं। मंदसौर को इस आंदोलन के लिए बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि आंदोलन के पहले दिन हालात सामान्य हैं। हालात बिल्कुल सामान्य है। सुबह से जो गांव से दूध लेके लोग आते हैं, उन्होंने पूरे शहर में दूध का वितरण किया है। सांची दुग्ध संघ की गाड़ियां हैं, उसके पार्लर भी बराबर खुले हैं, फल सब्जी की दुकानें खुली हैं और गांव से किसान भी अपनी सब्जियां लेके मंडी में आ रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मंदसौर जिले को 20 जोन में बांटा है। CCTV और ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है और सुरक्षा बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी पुलिस व्यवस्था हर जगह लगाई गई है। हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं। हमने ग्राम रक्षा समितियां, नगर रक्षा समितियां भी सक्रिय की हैं, तो कहीं किसी प्रकार की घटना नहीं होने दी जाएगी। और अगर कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार की कार्रवाई करना चाहता है तो हम लोग उसे सख्ती से निपटेंगे। मंदसौर में 6 तारीख को गोलीकांड की बरसी मनाई जाएगी, जिसमें देश भर के किसान संगठन और नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी 6 जून को मंदसौर जाएंगे, जिसे देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से अशोक परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। मंदसौर गोलीकांड को 6 जून को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन किसानों के जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। आंदोलन में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार आज भी इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। ना अब तक जांच रिपोर्ट आई और ना ही किसानों की वो मांगे मानी गई। अरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए सर, हमारे बच्चे को, हमको भी न्याय मिलना चाहिए जी। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे को हमको न्याय मिलना चाहिए सर। दुर्गा लाल धाकड़ बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए 1 साल से दर दर भटक रहे हैं। बीते साल मंदसौर के बड़वन गांव के रहने वाले घनश्याम धाकड़ इस हादसे में मरने वाले 6ठे किसान थे। उनके जाने के बाद हंसता खेलता एक घर उजड़ गया। घनश्याम अपने पीछे पिता दुर्गालाल, 2 बच्चे और पत्नी रेखा को छोड़ गए। कोई पूछने वाला नहीं है अभी तक, और हम मेरे छोटे छोटे बच्चे और ये, आज पापा का प्यार अलग ही होता है। कानून के कपड़े में वो आतंकवादी लोग थे ना, तो कानून उनको सरकार ने सजा दी ना, कुछ भी नहीं। मंदसौर आंदोलन में पुलिस की गोलीबारी का विरोध जताने गए घनश्याम को गिरफ्तार कर लिया गया। गोलीकांड के कुछ दिनों बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। घनश्याम के पिता आज भी उस हादसे को याद करते हैं तो बिफर जाते हैं। तेरे तो भगाया, भागते भागते वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद में पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने बताया, ले जाके गाड़ी में डाल के वो थाने में ले गए। उन्होंने बताया बहुत सारे उनको पीटा हुआ सर, उनके पैरों में भी चोटें आई हुई थी, पीछे चोट आई थी, सिर में फटा हुआ था उनका, बातिया हाथ पे तोड़ रखे थे उनके। घनश्याम की पत्नी को चतुर्थ श्रेणी की नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तो मिला, लेकिन इंसाफ अब तक नहीं मिला। इससे मुआवजे से इनसे मेरे पति की तुलना थोड़ी हो सकती है। क्या वो मेरे पति ला सकते हैं क्या? 1 करोड़ रुपए दे दिया, सब कुछ दे दिया, उनके बच्चों के पापा ला सकते हैं क्या? मंदसौर हादसे के बाद इस परिवार ने जो खोया उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन इस हादसे के बाद जांच में हुई हीला हवाली और पीड़ित परिवारों को न्याय ना मिलना जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से अशोक परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को महापंचायत में किसानों ने आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। किसानों का कहना है कि अगर बिजली की दर कम नहीं की गई तो वे इलाके में लगे बिजली के खंभे उखाड़ देंगे। बागपत के किसान आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। गुरुवार को हुई महापंचायत में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर बिजली के दाम नहीं घटाए गए तो वे इलाके से बिजली के खंभे उखाड़ फेंकेंगे। बिजली का जो पूरे उत्तर प्रदेश में जितना रेट यहाँ से बागपत जिले में है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी इतना रेट नहीं, तो इसका ही जो 13 हॉर्स पावर यहाँ से करा थी, 10 हॉर्स पावर अनिवार्य और 13 हॉर्स पावर अनिवार्य करे कि इसके विरोध में ये किसान नहीं दे पाएंगे इतना बिल।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में गन्ना के बकाया भुगतान और बिजली की बढ़ी हुई दर के विरोध में किसान बीते कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे एक किसान की मौत के बाद लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। कुछ भी नहीं हो रहा, भूखे तिसाए इन किसान बेचारे, यहाँ धूप में गर्मी में तड़प रहे, बच्चों को मारे, फीस नहीं मिलती, कुछ नहीं जी, डांगरों को खड़ पानी नहीं मिलता। किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार अगर उनकी नहीं सुनती है तो वे असहयोग और जेल भरो आंदोलन करेंगे। बागपत से विश्वजीत चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। शिमला के 40 बड़े होटलों में पानी का कनेक्शन काटा जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिमला नगर निगम ने इन होटलों के कनेक्शन काटने का आदेश दिया है। इन होटलों ने कई साल से पानी का बिल नहीं भरा है। बीते 12 दिनों से शिमला में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर पानी के लिए मारपीट तक की नौबत पैदा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी। राजस्थान में लहसुन किसानों के गुस्से को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। वसुंधरा राजे सरकार ने समर्थन मूल्य पर लहसुन की खरीद की तारीख एक महीना बढ़ा दी है। 31 मई तक होने वाली खरीद अब 30 जून तक हो सकेगी। सरकार ने लहसुन के कट्टों के उठाव के लिए नई व्यवस्था भी लागू की है। अब कोई भी व्यक्ति या व्यापारी टेंडर के माध्यम से लहसुन की खरीद कर सकेगा। पिछले दिनों कोटा संभाग में लहसुन किसानों के आत्महत्या के 5 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार में अवैध वसूली का धंधा इन दिनों चरम पर है। कटिहार के अहमदाबाद में बाढ़ के कटाव से बचने के लिए पत्थर लगाने का काम चल रहा है, लेकिन रंगदारों की वजह से ये काम अधर में लटक गया है। हर पत्थर के एवज में 1 रुपए की रंगदारी ली जा रही है। कटिहार के अहमदाबाद में गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को कटाव से बचाने के लिए पत्थर डालने का काम चल रहा है, लेकिन इसमें रंगदारी टैक्स की वजह से रुकावटें आ रही हैं। दरअसल नदी के कटाव को रोकने के लिए पत्थर झारखंड से गंगा नदी के रास्ते कटिहार लाया जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही गुंडे पत्थर सप्लाई करने वाले ठेकेदारों को पकड़ लेते हैं और उनसे हर एक पत्थर के लिए 1 रुपए की अवैध वसूली करते हैं। कि रंगबाज लोग सब 1 रुपया बोल लेता है रंगदारी टैक्स। अच्छा, और परेशानी नहीं है कि हम लोग का पैसा ही नहीं पड़ रहा और उधर रंगबाज लोग मान नहीं रहा है। रंगदारी मतलब ले रहा है सबटा ऊपर में। अच्छा, दियर में कितना? 1 नापे 2500-2000 ऐसे करके ले रहा है। उससे परेशानी नहीं हो रही है? उससे तो परेशानी हो ही रहा है ना। उससे परेशानी हुआ तब ना इतना कम ना आ रहा है, कम मटेरियल मेरा जुट पा रहा है। दरअसल कटिहार के अहमदाबाद को बाढ़ से बचाने की बड़ी योजना तैयार की गई है। नदी किनारे करोड़ों की लागत से जाल में पत्थर डालकर बिछाने का काम बाढ़ से पहले शुरू किया गया है, जिन्हें झारखंड से सैकड़ों छोटी बड़ी नावों में ढोकर लाया जा रहा है। एक छोटी नाव में औसतन 700-800 और बड़ी नाव में 2500-3000 पत्थर लाए जा रहे हैं, लेकिन रंगदारी और अवैध वसूली के चलते कटाव रोकने के इंतजाम धीमे पड़ते जा रहे हैं। बीच गंगा में रंगबाजी टैक्स लिया जाता है, इसी करके हमको काम लेट हो रहा है। नहीं देता तो वहाँ पिटाई करता है। अगर सरकार नहीं इसका व्यवस्था करेगा तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। इस इलाके का हर शख्स इस अवैध वसूली से वाकिफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन शिकायत ना मिलने की दलील देकर पल्ला झाड़ता नजर आता है। इस तरह की कोई शिकायत अभी तक की नहीं गई है किसी भी पक्ष द्वारा। ठीक है, अभी संज्ञान में आने पर इसकी जांच कराई जाएगी और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। हर साल बाढ़ में डूबने वाले कटिहार के इस इलाके को इस साल राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन बिहार में सुशासन बाबू का राज होने के बावजूद रंगदारों की बढ़ती गुंडागर्दी इस राहत में अब रोड़ा बनती जा रही है। बिहार के कटिहार से अजदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद किसान। मध्य प्रदेश में सिंचाई की सुविधा दुरुस्त करने के लिए एशिया विकास बैंक $37.5 करोड़ का कर्ज देगा। एडीबी ने कहा कि इससे मध्य प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर होने में मदद मिलेगी। सिंचाई की इस परियोजना का कुल बजट $53.5 करोड़ है, जिसमें $16 करोड़ राज्य सरकार खुद खर्च करेगी। सितंबर 2025 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि खेती किसानी और ग्रामीण भारत के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।